हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ पर्पल की HD वेलवेट लिक्विड लिपस्टिक। जस्ट अभी सेल में जो पर्पल में आई थी ये वाली लिपस्टिक, तो उसमें मुझे ये 230 रुपीज़ की, आई मीन 240 रुपीज़ की मिली थी। वैसे इनका प्राइस 500 के आसपास है और इस पर लिखा हुआ है कि ये वेलवेट लुक में आती है, मतलब वेलवेट इसका टेक्चर है। तो मैंने इसमें ये फोर शेड लिए थे। इसकी जो मैं पैकेजिंग की बात करूं, पैकेजिंग काफ़ी स्टाइलिश है, मुझे बहुत अच्छी लगी। ये बॉटल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आप देख सकते हो, इसकी पैकेजिंग मुझे बहुत अच्छी लगी। एक्चुअल प्राइस इसका 500 के आसपास है, लेकिन सेल में ये 240 रुपीज़ में मुझे मिली थी, तो इसको लेना चाहिए था। तो क्योंकि वेलवेट अगर आपको ये टेक्चर दे रहा है तो ये वाकई में काफ़ी अच्छी है। और जो मैंने ये लगाया हुआ है, ये शेड है शेड नंबर 04। नाम इसमें बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है तो मुझे दिख नहीं रहा है। दूसरा, मैं आपको बता देती हूँ कि ये वीडियो मैं डे लाइट में शूट कर रही हूँ, इसमें मैंने कोई लाइट्स यूज़ नहीं किए, तो शेड ऐसे ही आएंगे, इसमें कोई ऐसा चेंजेस नहीं है। क्योंकि लाइट से थोड़ा शेड चेंज होता है, इसलिए मैं डे लाइट में ही ये वीडियोज़ शूट करती हूँ। और मोस्टली जो भी लिपस्टिक मैं वीडियो बनाती हूँ वो डे लाइट में ही बनाती हूँ। तो ये है शेड नंबर 04। टेक्चर की बात करूँ तो टेक्चर इसका बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट टेक्चर है, वेलवेट चलता है, मतलब लिप्स पर अगर आप इसको अप्लाई करोगे तो बिल्कुल ड्राइनेस महसूस नहीं होता है। और दूसरा, मैंने अभी इसको अप्लाई करने से पहले कुछ भी नहीं अप्लाई किया था, मतलब वैसलीन वगैरह मैंने कुछ नहीं लगाई थी, मैंने डायरेक्ट ऐसे ही यूज़ किया था, तो मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लग रही है। आप देख सकते हो, इसको पास से मैं आपको दिखा देती हूँ, बिल्कुल भी क्रैक्स नहीं है। अगर ये ड्राई होती तो थोड़ा थोड़ा लिप्स क्रैक होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो 500 थोड़ा रेंज ज़्यादा हो जाता है, अगर आपको सेल में ये 250-230 की मिल रही है तो आप इसको ले लीजिए, ये काफ़ी अच्छे टेक्चर में है। इसमें और भी शेड है, मैंने 4 ही लिए थे। और जो इसमें न्यूट कलर है, न्यूट कलर आई थिंक 2 ही कलर हैं, शेड नंबर 3 और शेड नंबर 4। तो न्यूट कलर सिर्फ 2 ही हैं, बाकी कोई खास न्यूट कलर नहीं है, ज़्यादातर डार्क कलर है। तो डस्की स्किन टोन वालों के लिए ये काफ़ी अच्छी रहेगी, इंडियन स्किन टोन जैसे है, डस्की, डार्क, ब्रिटिश, इन लोगों के लिए काफ़ी अच्छी रेंज है। तो प्रूफ भी है, आप देख सकते हो, विद इन 20-30 सेकेंड में ये बिल्कुल सेट हो जाता है। तो कंफर्टेबल फार्मूला है, फार्मूला काफ़ी अच्छा है, नायका की भी आप अगर मैं इसका कंपेयर करूँ तो नायका जैसी ही है, मतलब इजीली रिमूव नहीं करती है, 8 से 10 घंटे ये आराम से स्टे करेगी आपके लिप्स पर, कंफर्टेबल बहुत रहेगी, बिल्कुल लगेगा नहीं कि आपने कुछ अप्लाई किया हुआ है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। नायका की भी 600 की रेंज में आती है, तो ये 500 की रेंज में, 475 का इसका प्राइस है। सेल में ये आपको 250 में मिल रही है या 240 रुपीज़ में मिल रही है, तो ये बहुत अच्छी डील है। तो देख लेते हैं इन लिपस्टिक के स्पेशल कौन कौन से हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। अब मैं इसका एप्लीकेटर दिखा देती हूँ। एप्लीकेटर इसका अच्छा है स्किन पर, मतलब जो लिप्स है इसका एप्लीकेटर कुछ इस टाइप का है, तो ये बिल्कुल स्किन पर अच्छे से अप्लाई होता है। तो एप्लीकेटर भी मुझे इसका काफ़ी अच्छा लगा और काफ़ी स्मूथ इसका मुझे फॉर्मूला लगा।
था मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको काफ़ी पसंद आए। ये लिपस्टिक काफ़ी कंफर्टेबल है और बिल्कुल भी मेरे को ड्राइनेस नहीं लग रही है। मैंने कोई भी वैसलीन नहीं लगाई थी, जनरली मैं वैसलीन लगाती नहीं हूँ क्योंकि मेरे लिप्स उतने ड्राई नहीं हैं। अगर आपके लिप्स ड्राई हैं तो एक बार वैसलीन लगा के उसके बाद उसको साफ़ करके इसके बाद उसको इन लिपस्टिक्स को यूज़ कर सकते हो। तो ये लिपस्टिक काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा टेक्स्चर है इनका और आप देख सकते हो इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आता है आफ्टर, मतलब जब वो सूखती है उसके बाद इसका लुक काफ़ी अच्छा आता है। तो काफ़ी अच्छी लिपस्टिक इन्होंने निकाली है क्योंकि पर्पल की जो पहले लिपस्टिक आई थी वो काफ़ी ड्राई थी, जो 350 की रेंज में आई थी वो काफ़ी ड्राई है। फिर इन्होंने मिनी वाला निकाला, वो भी थोड़ा सा उतना कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन ये वाली लिपस्टिक इनकी काफ़ी कंफर्टेबल है। तो आई होप आपको आज की इन्फॉर्मेशन काफ़ी हेल्पफुल रहे इन लिपस्टिक्स को चूज़ करने में। और अच्छा लगता है मेरा वीडियो तो इसे लाइक कीजिए और आपकी फेवरेट शेड कौन सा है इसको कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।